हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और यहाँ पर ये सब्जियाँ हैं, आलू, टमाटर, मिर्ची, अदरक, मसाले, चावल, सभी सब्जियाँ हैं। आज मैं आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। आज कुछ स्पेशल डे है जो हर माँ के लिए होता है, अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, मतलब सभी के लिए होता है। तो सेम चीज़ें मेरे साथ भी हैं। यहाँ पर मैं ट्राईपॉड लगाकर चली गई थी अंदर, तो बाबू को देख लीजिए, वो अपने ही जुगाड़ लगा ली। और आज ऐसा डे भी था और कुछ ऐसी बात थी, मतलब कि मुझे मनाना, बर्थडे बिल्कुल भी मन नहीं था मनाने का, लेकिन बाबू ने मजबूर कर दिया मनाने पे, क्योंकि इससे पता चल गया था कि मेरा बर्थडे आ रहा है। 3-4 दिन से बात हो रही थी और घर में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हमने पूरा प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर भी वो कह रही थी मम्मा बाबू बर्थडे, मम्मा बाबू बर्थडे। तो एक माँ होती है ना जो अपने बच्चे के आगे मजबूर हो जाती है, तो सेम चीज़ें मेरे साथ भी हुई। तो मैंने कहा चलो छोटा मोटा सा फंक्शन कर लेते हैं, इस बार किसी को नहीं बुलाएंगे। और यहाँ पर मैं सब्जियाँ धोने के लिए बैठ गई हूँ और ये आए थे नहा कर, तो आप लोगों से हाथ धुलने हाय कर रहे थे। पहली आलू मैं उबाल चुकी हूँ 5 लीटर के कुकर में, ये दूसरी आलू मैं उबालने जा रही हूँ। 2-3 बार उबालूंगी बस। और कुछ ऐसी दुखद भरी चीज़ें हो गई हमारी फैमिली में जिसको मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ और दिल भी नहीं कर रहा था। इस बार हम लोगों ने सोचा था कि घर अच्छा हो गया है तो काफ़ी धूमधाम से अपने बाबू का बर्थडे करेंगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई पॉसिबल। बच्ची की वजह से बस कुछ ही लोगों को हमने बुलाया, सिर्फ बच्चों का बर्थडे था तो इसलिए बच्चों बच्चों को बुला लिए थे। दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था ना, लेकिन क्या होता है ना कि हालात के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। तो बस वही चीज़ें मेरे साथ भी हूँ। तो यहाँ पर मैं बाद में अदरक और मिर्ची धुलती हूँ, बाबू ट्राईपॉड बीच में लेके भाग जाती है तो फिर मैं उसे ऑफ करके रख देती हूँ। और यहाँ पर आ चुकी है मेरी बहनें जो लहसुन छील रही हैं। लहसुन लगभग छिल चुका है, आधा हम लोगों ने छील लिया था, आधा अभी छीला गया है। और ये एक बार की या 2 बार की शायद आलू है और 3री बार की या 2री बार की मुझे उतना क्लियर याद नहीं है। वो आलू जो है ना अभी कुकर ये लाएगी, तो मैंने कहा चलो मैं आलू निकाल देती हूँ और तुम लोग आलू को छील लेना, क्योंकि होता है यार उतनी खुशी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब बच्चे के आगे लूँ सारी चीज़ें होता है ना कि भूल जाना। तो बस वही था कि बाबू का बर्थडे है, बर्थडे है, वही चीज़ें मैंने फोकस रखी और मैं सब कुछ भूल गई। जो प्रॉब्लम थी, जो कुछ था हमारे यहाँ, उसको मैंने एक साइड रख दिया था। तो बहुत थी तो बहुत दुखद घटना, मैं आप लोगों को बता दूंगी कभी। तो फिलहाल अभी आलू निकाल रही हूँ मैं। मैंने कहा कि चलो मैं निकाल लेती हूँ और मैं दूसरे काम के लिए जाती हूँ, कुछ करना था मुझे, तो वही मैंने कहा कि तुम लोग छील लो। तो बस इसी तरीके से मैं सारी आलू निकाल रही थी। अभी मैं आराम से आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है? जो है वो छिल चुकी है और अब क्या हो रहा है अभी दिखाते हैं आपको। आपके जी क्या कर रहे हैं? जी जाजी क्या कर रहे हो? पोटैटो, पोटैटो, ओनियन, ओनियन, पोटैटो, उल्टा बताओ ना, उल्टा पोटैटो बना दिए, प्याज को, ओनियन को, पोटैटो छिलना, पोटैटो, पोटैटो छिल रहा है। पोटैटो ये होता है, ये कदो बीन्स। अच्छा, आँख में धूल झोंक रहे, अच्छा खासा है ना कैमरे के सामने। वाह वाह वाह, क्या बात है, कैमरे के सामने काम, कैमरे के सामने नाटक। कैमरा जैसे ही मैं उठाने चली वैसे बैठ गए प्याज छीलने के लिए। सारा काम अभी बाहर करके अभी दो चीज भूल गए, झाड़ू लाना था, झाड़ू लगा है, झाड़ू लाना था, झाड़ू क्या मैं कितने 10 दिन झाड़ू नहीं चलती यार, उसका ऐसे ऐसे ठोक देते हो झड़ जाता है। अजय नहीं फूल तो चलिए पीस लेते हैं हम थोड़ा सा मसाला। ये पेस्ट है जो लहसुन अदरक का, ये देखिए कौन सा पीस लेते हैं, थोड़ी देर से ये जो प्याज है ना इसमें डाल देंगे ना तो क्या होगा, पनीर अरेर देखो वहाँ से किचन में रख दो, नहीं कोई हाथ लगा दी। तो चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर से। आलू उबाल रहे हो? अच्छा, तो गाइस ये देखिए इतनी आलू है, अभी कटिंग कर रहे हैं, कटिंग नहीं क्या बोलते हो यार, काट रहे हैं है ना, सबका काम बटा हुआ अभी आपको दिखाती है। तो ये लोग कटिंग कर रहे हैं और पूनम मसाला पीस रही है
ये देखिए टमाटर पीसने जा रही है और सोनम लोग लहसुन छील रही हैं। तो गाइस ये देखिए सरसों का तेल हमने डाल दिया, जब ये गर्म हो जाएगा ना जब हम इसमें जीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा मिर्ची इन सब का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो सोनम यहाँ पर ये देखिए चला रही है, लहसुन अदरक का पेस्ट डल चुका है और इसको अच्छे से चलाना है, बिल्कुल धीमी आँच से चलाया जा रहा है इस तरीके से। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसके बाद जब आपका लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से रेडी हो जाए ना तो इसको आपको क्या करना है, टमाटर का पेस्ट डालना है। देख रहे थे आप कितना सारा टमाटर था, तो अंदाज अंदाज वाला काम होता है हमारे यहाँ, तो मैं आपको नहीं बता सकती कि इतने के जी में इतना लो, तो अंदाज वाला ही ज़्यादा कर पाते हैं हम। जब तक टमाटर पक रहा है जब तक सोनम दूसरे भगोने में तेल डाल दी है, और जब ये तेल गर्म हो जाएगा ना सेम प्रोसेस जैसे इसका मैं दिखा रही हूँ वैसे दम आलू का था, ये जब तेल गरम हो गया ना तो इन्होंने डाला जीरा और इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से ही भूंज लेंगे। जब तक भूंजेंगे जब तक ये अच्छे से लाल ना हो जाए, इसको भूंज लेना है आपको इस तरीके से और इसको चलाना है। अगर आप चलाओगे नहीं तो ये नीचे तुरंत ही लग जाता है, इसी वजह से आपको ध्यान देना है, चलाते रहना है। और इसके बाद हम सेकंड वाला जो हमारा दम आलू वाला था ना स्टेप, जब हमारा टमाटर पक जाएगा तो उसमें हम दम आलू इस तरीके से डाल देंगे, यानी कि आलू थोड़े थोड़े करके डालेंगे आराम से, पूरी थाल जो इसका ढक्कन जिसका ढक्कन होता है ना उसी पे हमने कट कर लिया था, और इसको इस तरीके से चला लेंगे अच्छे से और थोड़ी देर इसको भूंज लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और पानी, जब मैं पानी डालूंगी जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और ये जब डालेगी जब दिखाऊंगी क्या बोल रही हूँ। तो ये देखिए वो अभी भूंज रहा है जो हमारा पेस्ट था ना लहसुन अदरक मिर्ची का वो, और बाबू को देखिए क्या जुगाड़ लगा रही है। और जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं ना, आज इन्हें भी माता रानी को मुझे अच्छे से रखना है, सजाना है। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने प्याज डाल दिया, थोड़ा सा गैप है, काफ़ी गैप है, आपको पास लग रहा होगा लेकिन जगह नहीं थी, इसी वजह से हमें गैस यहाँ रखना पड़ा। और इसके बाद अब हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पर, पानी। पानी डालने के बाद आपको पका लेना है, जब ये थोड़ा सा पक जाए पानी तब दम आलू मसाला डालकर थोड़ी देर पका लेना और फिर धनिया डाल के अपनी गैस को क्या करना है, ऑफ। और ये सारे मसाले हैं, धनिया, गरम मसाला, एवरेस्ट मसाला, हल्दी पाउडर, इन सभी मसाले को क्या करना है इसमें ग्रेवी में डाल देना है, जो हमारी ग्रेवी थी ना प्याज वाली उसमें डाल देना है इस तरीके से। और ये देखिए आके दिखा रहे थे, देखो हम बनाए हम। तो चलिए जब तक ये बन रहा है जब तक मैं भी फटाक से नहा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। तो गाइस अभी बन रहे हैं दिन के दो और आज मैं अपनी वीडियो पब्लिश करना भूल गई जल्दी जल्दी में, हेयर वॉश किया, नहाई हूँ और अभी दिखाती हूँ बाहर बन रहा है क्या। सोनम बना बना के अंदर आके रेस्ट कर रही है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे देखिए क्या करने जा रहे हो। सफाई कर रहे हैं, तो बस अभी जा रही हूँ चेंज करने के लिए, गर्मी बहुत हो रही थी तो काम आधे से ज़्यादा हो चुका है। ये रखा हुआ मटर और धनिया वनिया सब कुछ ऐसे रखा हुआ है, सब कुछ अभी मैस ही पड़ा है, साफ करना पहले बन जाए उसके बाद क्लीन कर दो ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाबू भी नहीं है मेरे साथ, मैं हेयर वॉश कर रही थी तो बोल रही है मम्मा बाबू भी सर धुल, तो मैंने कहा नहीं मम्मा नहीं धुल, मम्मा कुछ खाए, तो बोल रही है क्या खाए, मैंने कहा मम्मा लूलू खाए, तो थोड़ी देर में कह रही मम्मा बाबू भी लूलू खाए, मम्मा भी बाबू भी सर धुल। क्या कर रही हो दीदी? दीदी का फ्रॉक, मैं बहाना बनाई थी ना सर धुलने के लिए, दीदी का फ्रॉक। वाओ चलो चलो देखो सर लोग हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं बाबू को, हैप्पी बर्थडे टू यू। मौसी लोग सर लोग कर रही है बाबू को कुछ ही दे दो, सब लोग देखेंगे ना तो बर्थडे विश करेंगे, तो सबको थैंक यू बोलो। तो चलिए बोलने से रही नहीं, मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर से, तब तक के लिए क्या बाय बाय बाय। इतना बड़ा हो गया और इतना शर्मीला, बाय 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 बाय। चलिए दीदी का लड़का और मन्नी आ गई, आप लोग पूछ रहे थे मन्नी कहाँ, मन्नी क्यों नहीं दिखी, ये मन्नी बैठी है, ये मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी बहन है, बहन है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अभी थोड़ी देर से। तो गाइस ये देखिए ये है मटर, इसको अच्छे से धुल लेना है, और जब आपका मसाला पक जाए ना तो मसाला लगभग पक चुका है, और इसके बाद आपको डालना है
मटर को मसाले में अच्छे से, फिर कढ़ाई उधर चढ़ गई थी मतलब कि जो पनीर थी ना उसे फ्राई करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी लिजी टाइप की पनीर हल्की सी लग रही थी, मतलब सॉफ्ट बहुत ज़्यादा थी कि ये होता कि टूट जाएंगी, इसीलिए मैंने कहा इनको थोड़ा सा फ्राई कर लो। तो चलिए जब तक ये फ्राई होती जब तक थोड़ी सी बात हो जाए। अभी बच चुके हैं दिन के कितने, 3, और अभी भी खाना नहीं बचा। हाँ, अभी खाना नहीं बना। सोनम कह रही 3 बजे खाना नहीं बना। और अभी पनीर फ्राई हो रही है, पनीर फ्राई हो रही है, दम आलू बन चुका है, और ये है चावल जो भिगोया गया है बाल्टी में, ये देखिए इसमें। उसके बाद ये देखिए पनीर है जो फ्राई हो रही है। बाबू अंदर खेल रही है, अभी डेकोरेशन का पूरा काम बाकी समझ लीजिए, अभी उससे भी करना है। तो अभी उसे भी करना है, आप सभी को तो पता ही कि काम बहुत हो जाता है, और ये सुबह से लगे पड़े हैं साफ सफाई में, लेकिन फिर वैसी हो जा रहा, फिर साफ कर रहे हैं वैसी हो जा रहा। लेकिन जब ऐसा करना चाहिए ना, जब पूरा काम हो जाए उसके बाद साफ सफाई, लेकिन नहीं, सोच रहे साफ भी हो और काम भी होता रहे, तो ऐसा कहाँ होने से रहा है ना मन्नी। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर से, तब तक के लिए बाय। तो बस थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया था, जब पानी उबल गया तो इसमें हम डाल रहे हैं पनीर, ताकि पनीर में भी मसाला आ जाए, ग्रेवी आ जाए और खाने में अच्छा लगे। तो बस इसको ढककर कुछ देर तक पका लेना है, जब ये अच्छे से पक जाएगा ना उसके बाद हमें ऊपर से हल्की सी धनिया डाल देना है, और साइड में हमने क्या रखा, पानी पुलाव बनाने के लिए। तो बस धनिया डाल दिया और हमारी पनीर रेडी है। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से आराम से और फुर्सत से थोड़ी देर में, ठीक है। तो गाइस अभी बच चुके हैं 4, और ब्लॉग का एंड मैं ये वाले ब्लॉग का एंड यही करती हूँ, बैठो थोड़ा सा बैठ जाऊँ ना। तो आज वाले ब्लॉग का एंड यही करती हूँ, आज वाले ब्लॉग का नहीं मतलब तो मतलब ये वाले ब्लॉग का एंड यही करते हैं, ये वाले यार क्या बोल रही बार बार, मतलब आधे ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, और यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं मेरा दूसरा ब्लॉग। आ तो गए भागे सर, कौन आया, कॉपी राइट आ जाए। तो बस दूसरा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये वाले ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। तो दूसरा ब्लॉग जरूर देखिएगा, जो है बाबू के बर्थडे में केक कटेगा, थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट होगी, ज़्यादा नहीं, सिंपल तरीके से। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।